नमस्कार। ग्रेड ए का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त ने NH26 लेनिन चौड़ीकरण परियोजना को लेकर अधिकारियों संघ की बैठक। भू अर्जन और NHAI को उपायुक्त ने दिए कई दिशा निर्देश। शहर में लड़कियां हुई असुरक्षित। डांडीडी में छेड़खानी के विरोध करने पर मनचलों के गुट ने लड़कियों के परिजनों पर किया हमला। सरिया वीडियो ने भ्रष्टाचार के मामले में मुखिया समेत 3 लोगों पर कराया मामला दर्ज। मनरेगा में बगैर काम करवाए निकाली गई थी राशि। और बेंगाबाद में चला वाहन चेकिंग अभियान। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने पर की गई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त की अध्यक्षता में भू अर्जन एवं NHAI की एक बैठक शनिवार को समाहरण न्यायालय सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में NH26 लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना कार्यों की समीक्षा की गई। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन एवं NHAI से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा जिला भू अर्जन एवं NH26 लेनिन चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत की जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई और लंबित मुआवजा भुगतान 25 जून के पहले करने का दिशा निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर सरिया NHAI के परियोजना पदाधिकारी, अंचलाधिकारी डुमरी, अंचलाधिकारी बगोदर अमीन एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडी में मनचलों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। लड़कियों के परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो 100 से ज्यादा लोगों ने परिजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इन दिनों मनचलों से गिरिडीह की बेटियां असुरक्षित हैं। बाइकर ग्रुप्स बनाकर मनचले राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं और जब इसका विरोध होता है तो ग्रुप में आए बाइकर्स स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में शहर की बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडी का है। बाइकर ग्रुप्स ने पढ़ाई से लौट रही 2 बच्चियों के साथ पहले छेड़खानी की। जब स्थानीय लोगों ने बाइकर्स को धर दबोचा तो 100 से ज्यादा संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने खूब गाली गलौज किया और फिर पत्थरबाजी कर आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। घटना से डांडीडी में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि 2 लड़की पढ़ाई कर घर लौट रही थी। इसी दौरान 16 नंबर नया धौड़ा के मोहम्मद रियाज और मोहम्मद आलम बाइक पर सवार थे और घर लौट रही लड़कियों के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद उसे पकड़कर पूछताछ किया जा रहा था। तभी नया धौड़ा 16 नंबर निवासी मोहम्मद सदाफ उर्फ छोटू मास्टर 100 लड़कों के साथ आए और ग्रामीणों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे और दोनों आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। 2 लड़की यहाँ पर गुपचुप खा रही थी, खाते खाते 3 लड़का बाइक में सवार होकर के वहाँ सामने में आया और वहाँ पर गलत कमेंट करने लगा तो इन लोग को पटाना चाहिए था। हम तुरंत उठ के ऐसे देखे दुकान से कि कौन है भैया यहाँ पर मोहल्लम गलत काम कर रहा। फिर यहाँ से जब हम देखे तो लोग वहाँ से आगे चला गया। अब आगे चला गया तो वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से गलत कमेंट करने लगा। तब तक लड़की का जो पापा था वो जा करके वहाँ पर उन लोग के साथ मैंने धीरे धीरे गए और उन लोग का बात सुने तो उनको तो गुस्सा आना जाए था। अब फिर वहाँ पर फिर वो लपड़ थपड़ किए उसको पकड़ के लाए यहाँ। तब तक तो उधर से लगभग 100 आदमी, हमको लगता है 80-90 आदमी आकर के इलाज घेराव कर दिया यहाँ पर। 16 नंबर का लड़का था, कुछ बलगड़ा का लड़का था, आकर के पूरा घेराव कर दिया। अब घेराव करके मैंने समझिए मोमेंट बना करके रखा था कि झगड़ा करना है। हम लोग को झगड़ा यहाँ का आदमी से झगड़ा से कोई मतलब ही नहीं था। लड़की लोग ट्यूशन से निकली तो 3 लड़का एक बाइक पे, जिसमें तीनों का नाम उसमें पता नहीं चला, लेकिन बाद में पूछताछ से पता चला एक का नाम मोहम्मद आलम, एक का नाम मोहम्मद रियाज था जो नया धोड़ा का 16 नंबर का था। उसमें से तीनों में से एक लड़का यहाँ पे बस पकड़ा गया। जैसे लड़की जब अपना पिताजी को बताई जो इस तरह का वो लोग कमेंट पास करते हुए यहाँ आया और जो से बोल रहा था, तो जैसे पकड़ने के लिए लड़का लोग यहाँ पे बोला तो क्या किया, सब लड़का लोग भाग गया। उसके 2 साथी अपने साथ मोहम्मद छोटू मास्टर मतलब मोहम्मद सद्दाब अख्तर है 16 नंबर का, उसके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग आए यहाँ पे अपना शक्ति बल अथवा
शांति समझ जो यहाँ भाईचारे का सौहार्द है उसको बिगाड़ने का कोशिश भी किया गया, जिसमें मतलब भारी संख्या में लाठी डंडा सब्बल ईटा पत्थर पूरा चलाया गया, जिसमें तो कुछ लोग इधर के घायल भी हुए हैं, जो लड़की के भाई लोग हैं या और भी कोई है। जब इसकी सूचना हम लोग के पास पहुँची तो हम लोग आए वहाँ पे प्रशासन के पास गए। यहाँ पर जो भी जितना भी माहौल ख़राब किया वो छोटू मास्टर ही खराब किया, और वही कम से कम 150 लड़का को बुलाया था वही फ़ोन करके, और धीरे 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 पिछड़ी जैसा आदमी यहाँ जुट गया और यहाँ का माहौल ख़राब किया, और जितना भी लड़ाई का कारण है वो सिर्फ छोटू मास्टर ही किया है, और गलत लैंग्वेज भी बोला या जैसे कि समझौता करने आता तो 5 व्यक्ति ले कर आता, हमारे वार्ड पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, उससे मुलाकात करके यहाँ माहौल पे आता, वहाँ बात विचार करता, लेकिन नहीं, उन्होंने 100-150 के संख्या में ले करके लड़का लोग यंग लड़का लेकर आया और सबके हाथ में डंडा तो क्या और प्लस पत्थरबाजी भी बहुत किए हैं, आप देख सकते हैं उस चीज़ को। और छोटू मास्टर को हर हाल में उस अपने आप को नेता या जो भी कहते हैं नेता, उसको हर हाल में गिरफ्तारी किया जाए। तो हम यहाँ पर देखें जो घटना घटा, जब लड़का को पकड़ के लेकर आया, इन लोगों का कहना था कि और जो दो लड़का है उसको मेरे पास वापस ले कर आइए, और उसके बाद बैठ के उसका गार्जियन को बुलाया जाए, क्योंकि बिना गार्जियन का फैसला होगा नहीं। लेकिन इसका विपरीत हम यहाँ देखें, करीब करीब 30-35 मोटरसाइकिल और हर गाड़ी में 3-3 आदमी, और यहाँ पर करीब 100 आदमियों का जमाया जो किया। हम ये बात जानना चाहते हैं क्या यहाँ हो रहा है। आप पहली गलत करते हैं, गलत करने के बाद में आप एडवांटेज लेते हैं, आप लड़ने का टेंडेंसी लेते हैं, और इतना आदमी ले करके आते हैं, आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर क्या भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी चैन से रहे, बिल्कुल ये हम दावा के साथ कर रहे हैं, ये अपना यहाँ माहौल बिगाड़ने का। सरिया बीडीओ ने राशि गबन मामले में बड़की सरिया पश्चिमी पंचायत के मुखिया समेत 3 लोगों पर थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। रोटरी गटर गिरिडीह द्वारा खंडोली के सहरपुरा गांव में ग्रामीणों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्रेटर के कई लोग मौजूद थे। सरिया बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा ने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़की सरिया पश्चिमी पंचायत के मुखिया शोभा देवी, रोजगार सेवक भगवान दास पासवान और पंचायत सेवक फलजीत प्रसाद पर सरिया थाना में मामला दर्ज करवाया है। बीडीओ ने मुखिया समेत तीनों पर 73,749 पर बिना काम किए अवैध रूप से पैसा निकासी करने की बात कही है। पुलिस ने सरिया थाना कांड संख्या 136/2020 के तहत धारा 420, 409, 406, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि सरिया पश्चिमी पंचायत में मनरेगा योजना के जॉब कार्ड धारी छेदी पासवान, मोहन पासवान, भिखारी पासवान और मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से एक आवेदन देकर बीडीओ को बताया कि धरातल पर बगैर काम किए मुखिया, रोजगार सेवक और पंचायत सेवक ने पैसा की निकासी कर ली है। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा रोटरी आहार के तहत खंडोली के आदिवासी गांव शहरपुरा में ग्रामीणों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर लगभग दर्जनों आदिवासी परिवार के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर विकास सिन्हा, प्रकाश दत्ता, सुजय राज गुप्ता, उड़ियन बनर्जी, विकास शर्मा, सनी वाधवा, ब्रह्मदेव प्रसाद, मनीष गुप्ता, ज्योति प्रसाद गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। सर जैसी बोस पालिका उच्च विद्यालय में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नवम वर्ग में नामांकन कार्य चल रहा है। अभी तक लगभग 300 बच्चों का नामांकन हो चुका है। सर जैसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए नवम वर्ग में नामांकन का कार्य चल रहा है। अभी तक करीब 300 छात्रों का नामांकन हो चुका है। इस साल नामांकन के साथ साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। छात्राओं ने कहा कि पहले कई किताब देर से मिलने से पढ़ने में दिक्कत होती थी,
इसके लिए इन लोगों ने विभाग की सरकार को धन्यवाद दिया है। प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने ससमय पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए विभाग का आभार व्यक्त किया है। सर जैसे बस नाम लिखाने नाम एडमिशन कराने आए हैं 9 में और साथ ही साथ बुक मिल गया है और हम मिल गया वो खुशी हो रहा खुशी हुआ अच्छा से पढ़ाई करेंगे बच्चों में उसको जहाँ तक हो उसकी पूर्ति किया जाए। इस मध्य हम लोग बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एडमिशन जाके ले रहे हैं और साथ ही साथ किताब का भी वितरण। लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन के बाद आज से झारखंड सरकार की अनुमति के बाद सभी मॉल खुल गया। मॉल में सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसी के तहत न्यूज लाइन ने सभी मॉल का जायजा लिया। झारखंड सरकार की अनुमति के बाद शनिवार से शहर के सभी मॉल खुल गए। आज न्यूज लाइन ने सभी मॉल का जायजा लिया कि वहाँ सरकार के गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, तो उन्होंने पाया कि लगभग सभी मॉल में सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जांच के बाद ही ग्राहकों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। एक साथ केवल 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। क्या क्या पालन किया जा रहा है आप लोग के? सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। क्या कर रहे हैं ये सब? कर रहे हैं एकदम सैनिटाइजर रखे, एकदम सबको हाथ घुसाने पहले दिया जाता है। थर्मल स्कैनर होगा पहले, उसके बाद यहाँ हैंडवाश रखा हुआ है, गार्ड है, हैंडवाश कस्टमर हैंडवाश करेगा जाने के बाद। कल हमारे सेल्स स्टाफ है, सब अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देगा सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल। जब नीचे आएगा हमारे पास ये भी दिया हुआ है गैपिंग, जिसमें आपका बिलिंग होगा, उसमें भी आपका गैप दिया हुआ है, मार्किंग दिया हुआ है। दो कस्टमर के बीच में 2 फीट की दूरी होना चाहिए। हम लोगों ने लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज करने का व्यवस्था किया है। हम रेगुलर जो भी कस्टमर एंट्री होते हैं उन्हें हैंड सैनिटाइजर देते हैं, फिर साथ में उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं और 6 फीट की जो दूरी है वो हम मेंटेन करवाते हैं। बेगाबाद खरगडिया मुख्य मार्ग के समीप SI विनय हांसदा के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट, गाड़ी का कागजात की जाँच की गयी। बेंगाबाद थाना के समीप बेंगाबाद खरगडीहा मुख्य मार्ग पर SI विनय कुमार हांसदा के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट, गाड़ी के कागजात, मास्क आदि की जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील की कि जब भी कोई वाहन लेकर घर से निकले तो साथ में हेलमेट, मास्क और गाड़ी के कागजात साथ लेकर निकले। उन्होंने शनिवार को दर्जनों गाड़ियों को हिदायत देकर छोड़ दिया। मौके पर कई पुलिस जवान भी मौजूद थे। इस समय सभी को पता है कि वैश्विक बीमारी फैली हुई है समाज में, COVID-19 कोरोना वायरस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं वाहन का कि हर कोई मास्क पहन करके एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जाए। दूसरे नंबर पर हेलमेट जरूर पहने, नहीं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं समस्या खड़ा हो सकता है, इसलिए हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बेरोजगारी बढ़ गया है, लोग अनावश्यक किसी को तंग कर सकते हैं कि किसी का गाड़ी इधर से उधर चोरी हो सकता है, इसलिए गाड़ी का पेपर भी होना बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें हम लोग जाँच कर रहे हैं और हम लोग का उद्देश्य यही है कि सब लोग सुरक्षित रहें। NST एवं संस्था हेल्थ फाउंडेशन द्वारा बीते दिनों कोविड धूम्रपान पर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी के तहत चयनित बच्चों के बीच पुरस्कार व प्रतिभा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। धूम्रपान निषेध पखवाड़े पर आयोजित कोविड धूम्रपान पर पेंटिंग व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता बीते दिनों ऑनलाइन जिला NST एवं सहयोगी संस्था हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की गई थी। उसी का पारितोषित स्कूलों एवं स्वतंत्र प्रतिभागियों तक पहुँचाया गया।
इसी क्रम में शनिवार को किरण पब्लिक स्कूल कुल्ढिया में पुरस्कार व प्रतिभागिता प्रमाण पत्र बच्चों के बीच बांटे गए। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जगदीश प्रसाद व हेल्थ फाउंडेशन के सचिव रितेश चंद्रा ने बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक भी मौजूद थे। कोविड-19 के बीच में हम लोगों ने एक प्रतियोगिता की थी आपका स्मोकिंग से रिलेटेड, और उसमें 80 पार्टिसिपेंट थे टोटल, जिसमें से हमारे किरण पब्लिक स्कूल्स के कुछ प्राइजेज थे ना, कुछ बच्चों ने अच्छे इसमें उत्कृष्ट हासिल किए थे, और उन लोगों को जो हम लोगों ने प्राइज दिया आज उन लोगों ने प्रोत्साहित करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आज टॉबेको के बीच में एक अच्छा सा मैसेज जाएगा एंटी टॉबेको के बीच में। जिला स्तरीय धूम्रपान निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत जो कोविड और धूम्रपान को लेकर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन की गई थी, यह दिनांक 13 तारीख को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था। 13 तारीख को यह प्रतियोगिता सभी बच्चों ने प्रतिभागी ऑनलाइन भर दिए, हार्ड कॉपी भी आई और उस दिन जजमेंट भी हो गया। लेकिन चूंकि बात हुई, CSR ने कहा कि जिस तरह का कोविड बढ़ रहा है, हमारे अस्पताल में भी एकाध केस का आ गया है, तो किसी बच्चे को यहाँ लाया ना जाए और उनके पारितोषिक उनके स्कूल और उसके जहाँ तक संभव हो उसको पहुँचाया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने पुरस्कार सभी स्कूलों तक पहुँचाने का प्रयास किया। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले अंक में कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।